अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आए हुए हैं अपने नाना की कब्रिस्तान, नानी की कब्रिस्तान और यहाँ पर बाकी लोगों की भी कब्रिस्तानें हैं यहाँ पर। तो नानी की मिट्टी में नहीं आ पाए थे तो मैं खुद से अपनी ज़िद से आई हूँ नानी की कब्रिस्तान। और ये जो कब्रिस्तान है ये नानी की अभी लेटेस्ट की है और नाना की कब्रिस्तान काफ़ी साल पुरानी है। तो नानी का इंतकाल अभी हुआ था और मैं उनकी मिट्टी में नहीं आ पाई थी तो सोचा मुझे चले जाना चाहिए। और कब्रिस्तान में जाना अलाउड नहीं होता है हम लोगों का, लेकिन मैं अपनी जिद से आई हूँ, अपने खुद से आई हूँ कि मुझे जाना है, बस जाना ही है नानी की कब्रिस्तान। तो नानी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था और नानी से, नानी के आसपास, नानी की टच में रही हमेशा। तो नानी की मुझे हमेशा लगता था कि नानी को मुझे देखना है, तो मैं नानी की कब्रिस्तान आई हुई हूँ। और ये मेरी फूफी हैं, ये अदीबा है सिस्टर की बेटी और मैं हूँ। तो नाना नानी के लिए दुआ कर लेंगे उनकी मगफ़िरत के लिए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला हमारी भी तमाम गुनाहों को माफ़ करे। और नानी की कब्र के लिए, नाना की कब्र के लिए हम कुछ गुलाब के फूल लेकर आए थे जो हमने यहाँ पर रख दिए हैं उनकी कब्र पर। और यहाँ से अभी हम वापस जाएंगे घर। हाँ से दर। हाँ भैया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जानवर तो आते रहते। अरे मामूलो आए भैया, ये तो सही तो है और मट्टी चढ़ा ले चढ़ाएगी मामू बच्ची सब लोग मामू। चलो चलो तो यही पलटते हैं।